हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर एंड मेंटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आप सभी का वेलकम है। फिर से मैं आपके सामने एक नए लेक्चर वीडियो को लेके आ चुकी हूं और वो है सेल्स से, पार्ट ऑफ सेल्स, जो कि हमने इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू पे बात की हुई थी। और आप में से जिन्होंने भी पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबसे पहले पार्ट वन और पार्ट टू जाके देखें, उसके बाद ही पार्ट थ्री का लेक्चर वीडियो आप देखें, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मेरे स्क्रीन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अगर हिंदी में कहें तो इसे हम केंद्रक और कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो कि सेल के पार्ट्स में ही आते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला और कोशिका भित्ति और उसके बारे में और उसके काम के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये न्यूक्लियस होता क्या है। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो हम इसे कहते हैं केंद्रक। केंद्रक की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अ न्यूक्लियस इज़ डिफाइंड एज अ डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स। ये एक कोशिकांग है। कोशिकांग कहने का मतलब कोशिका यानी सेल का एक अंग है। सेल का एक अंग है, सेल ऑर्गेनल्स है, जो कि अगर देखा जाए तो हम मानते हैं कि ये चारों तरफ से दो परत से ढका होता है, टू लेयर से ढका होता है, जिसको यहाँ पे इंग्लिश में बोला जा रहा है डबल मेम्ब्रेन और हिंदी में बोला जा रहा है डबल झिल्ली, यानी दो झिल्लियाँ यहाँ पे होती हैं। और कहा जाता है कि ये हर एक सेल्स में होता है, जो बीचों बीच बैठा होता है, सेंटर में बैठा होता है, और इसे हम कहते हैं सेल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे हमारे घर में एक बड़े होते हैं, हेड होते हैं, दादाजी, पापा या मम्मी या भाई, ठीक है, या बहन, तो उसी तरीके से हर एक सेल्स के पास भी उसका एक हेड होता है, और ये हेड जो होता है उसे कहते हैं केंद्रक, यानी उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, जिसे हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कहते हैं। हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? उसके केंद्रक में पाया जाता है, उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं क्या बता रहा है कि एज स्टेटेड अबव द न्यूक्लियस इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स एंड इज़ दी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। आपको, आपने अगर पार्ट वन का लेक्चर वीडियो देखा होगा या आपने टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो आपको उसमें बताया जाता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में या तो न्यूक्लियस पाई ही नहीं जाती, या तो अगर पाई जाती है तो वो आधी अधूरी होती है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक। और यूकैरियोट में बताए थे कि ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में वेल डेवलप केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का बेस्ट एग्जांपल, यानी हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो सारी की सारी न्यूक्लियस वाली होती है, यानी उनके पास अच्छा खासा केंद्रक भी होता है और अच्छा खासा डेवलप केंद्रक होता है। न्यूक्लियस का डेवलपमेंट अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं आप, आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है, इनके पास केंद्रक नहीं होता है, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सो टिपिकली इट इज़ द मोस्ट एविडेंस ऑर्गेनल इन द सेल्स एंड द न्यूक्लियस इज कम्प्लीटली बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने बोला कि ये सेंटर में होता है, साथ ही साथ चारों तरफ से झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से, वो भी कितने मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसको आप कह सकते हो इनवलप, न्यूक्लियस का इनवलप यानी लिफाफा कह सकते हो, जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर जो है द मेम्ब्रेन डिफ्रेंशिएट बाय द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, और कहते हैं कि ये न्यूक्लियस का ये जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होता है वो बाहर की कोशिका द्रव्य से इसको अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या बताया है देख सकते हैं आप, द सेल्स क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो कन्फाइंड विद इन इट। जैसा कि मैंने बोला कि हर एक सेल के पास उसका हेड होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम या डीएनए यानी जिसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं, जिसे जो हम सुनते हैं कि अपने माता पिता से हमें मिलता है, फिर हमसे हमारे बच्चों में जाता है, फिर उनसे उनके बच्चों में जाता है, वही डीएनए की बात कर रही हूँ, वही आनुवांशिक पदार्थ, वही गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ, जो कहाँ पाया जाता है, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है।
ओके, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियस है ये हमारा जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। न्यूक्लियस का फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पे। फंक्शन में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो यही है कि ये क्या करता है, इनके पास आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्या करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती है, और साथ ही साथ ये सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यानी कोशिका की वृद्धि करती है, सेल की ग्रोथ करती है, और रिप्रोडक्शन यानी जनन, जनन मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियरली आप चारों तरफ से मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। इनके पास डीएनए होता है स्टोर के फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कोशिकीय कार्य में बहुत हेल्प करता है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आप न्यूक्लियस का डायग्राम देख सकते हैं। न्यूक्लियस को चारों तरफ से जो कवर करके रखा है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इसके अलावा अंदर ये देख सकते हैं आप न्यूक्लियोलस, एक राउंडेड स्ट्रक्चर जिसमें आपको देखने को मिल जाता है कि इसे राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। इसके अलावा ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन से चिपकी हुई होती है जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र यानी पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, इसका डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म और हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो 1863 में स्विस बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ वॉन क्वालिकर, इन्होंने इसका नामकरण किया, इसका नाम कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म रखा, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसके डेफिनेशन को ही इन्होंने ही दिया हुआ था। इसके अलावा ये एक फ्लूड होता है, फ्लूड का मतलब होता है तरल, तरल का मतलब होता है पानी, ठीक है। ये एक फ्लूड होता है जो कोशिका के अंदर, यानी मान लेते हैं ये आपका सेल है, तो ये सेल के अंदर का जो पानी है जिसके ऊपर आपका न्यूक्लियस और सारी चीज़ें तैरती हुई आपको नज़र आती है, उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, ओके। और कोशिका द्रव्य में दो पार्ट्स होता है, एक पानी को हम कहते हैं साइटोसोल, पानी को क्या कहते हैं, हम साइटोसोल कहते हैं, और उसके अलावा जो चीज़ें उसमें कोशिकांग पाए जाती हैं उसको सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग कहा जाता है। और साइटोसोल यानी पानी में आपको क्या देखने को मिलता है, पतले पतले तंतु हैं यानी फिलामेंट्स, आयंस, प्रोटीन्स, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जो कि साइज में बड़े होते हैं, जिनका अणु भार यानी आणविक मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें आपको कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो साइटोप्लाज्म की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि साइटोप्लाज्म में बेसिकली तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आपको मतलब साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर्स की क्या बात करें कि सेल ऑर्गेनल्स जो होती है जो साइटोप्लाज्म में रहती है, तो साइटोप्लाज्म हैव अ वेरियस स्ट्रक्चर जो होती है वो आपको देखने को उसके आसपास मिल जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स, ओके। फंक्शन की बात करें कि साइटोप्लाज्म का काम क्या है, तो मेजर फंक्शन यही होता है कि ये हमारे सेल की टर्जिडिटी मतलब उसकी ढीठता को, तीक्ष्णता को बना के रखती है, होल्ड करके रखती है, हमारे सेल की आकार को, शेप को सजो के रखती है, कहते हैं मेंटेन करके रखती है, ओके। ये जेली जैसी फ्लूइड होती है जिसमें सॉल्ट पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और साथ ही साथ कई सारे कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ काम हो गए कोशिका द्रव्य के, सेल साइटोप्लाज्म के, ठीक। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, उसको भी ये करती है, कुछ वीकर यानी एंजाइम्स को ब्रेक डाउन करने का काम, वेस्ट को निकालने का काम, साथ ही साथ जितनी भी उपापचय यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उनको भी असिस्ट करने का काम ये करती हैं। तो ये कुछ काम हो गया साइटोप्लाज्म का। ये आप डायग्राम दे सकते हैं साइटोप्लाज्म का, कि किस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो पानी, ये जो लिक्विड आपको सेल, ये सेल है और इसके अंदर ये जो पानी है जिसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें तैरती हुई नज़र आ रही हैं, इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ रही होगी, ओके। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने कन्वर्ट किया हुआ है, ओके, हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम होती है।
सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियो लाइक अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो और भी मत भूलिएगा। सो फिर मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि हमारा होगा पार्ट 4। तब तक के लिए थैंक यू।